मंत्री श्री सखलेजा बुधवार को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से रूबरू हुए, जिसमें समस्त व्यापारियों संघों ने दिन में 4 से 5 घंटे बाजार खोलने की मांग करी। जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाया जाएगा। हर गांव को कोरोना मुक्त बनाने का प्रयास करना होगा। यह बात प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा ने नीमच में बुधवार को विभिन्न व्यापारिक संघों, चिकित्सकों की एसोसिएशन, होटल व्यवसाय संघ, किराना व्यापारी संघ आदि के प्रतिनिधि से चर्चा करते हुए कही। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, अनिरुद्ध मारू, पवन पाटीदार, सचिन गोखरू, श्याम काबरा, आदित्य मालू, महेंद्र भटनागर सहित जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, SP सूरज कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों से चर्चा में मंत्री सखलेजा ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में 50 से 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हो जाएंगे। नीमच में ऑक्सीजन प्लांट भी शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिनका काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। जिले में बुधवार शाम 143 रेमडेसिविर और उपलब्ध हो जाएंगे। व्यापारियों ने बताया कि हम सब एक मत है। मोदी जी ने कहा है कि लॉकडाउन कोई विकल्प संकल्प नहीं है। लॉकडाउन से हम पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, इसलिए आज हम सभी व्यापारी एक बैठक कर दिन में 4 से 5 घंटे बाजार खोलने की छूट दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन से जो आर्थिक मार पड़ रही है वो कोरोना से भारी है। बैठक में डॉक्टर चोरड़िया, डॉक्टर मनीष चमड़िया, डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर पाटीदार ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री राकेश भारद्वाज ने आटा चक्की वालों को छूट प्रदान करने का सुझाव दिया। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के श्री जिनेन्द्र डोसी ने कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को थोड़े समय के लिए छूट प्रदान करने का सुझाव दिया। ये व्यापारी सब एकमत और सहमत है और WHO ने बोला है कि 10 साल तक इसका कोई रास्ता नहीं निकलना है। मोदी जी बोलते हैं कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, तो हम सब व्यापारियों ने आज ये निर्णय लिया है कि आज हम अपनी बैठक करेंगे और हमें किसी भी हालत में 2 या 4 घंटे की छूट दी जाए, क्योंकि जो आर्थिक मार पड़ रही है कोरोना से भारी है हम व्यापारियों को। कि हमने अपना निवेदन किया है और अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो आज हम अपनी मीटिंग में अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे।